नमस्ते, आज हनुमान जयंती है। गुरुजी नमस्कार। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव जन्म होता है और चैत्र पूर्णिमा को, शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जो है हनुमत दर्शन होता है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर में अपने विश्वनाथ मंदिर में हमने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया और सभी हमारे यहाँ के आचार्य मिल करके इस जन्मोत्सव को हमारे जो है सम्मिलित होकर हम लोग मनाते हैं। पूरे विश्वविद्यालय के कल्याणार्थ के भाव से हम इस जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं। हनुमान जी कृपा समस्त विश्वविद्यालय परिवार वासियों, समस्त भारतवासियों के ऊपर बरसती रहे। भैया सब विद्यावान हो, बलवान हो, निरोगी हो, यही मेरा आशीष है। बहुत बढ़िया गुरु जी, आप देख सकते हैं बजरंग बली। चलो भैया हटो वहाँ से। और ये राम मैया, सीता मैया, लक्ष्मण जी, और एक तरफ बांट दे आप लोग, प्रसाद आकर खाएं सभी यहाँ पे। रति राम दुलारी आन पड़ा अब तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, तेरा श्रीराम हनुमत बीरा, नास रोग हर सब पीरा, हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, तेज प्रताप महान। ठीक, क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओंकार पाल है। एक बात पूछना था, आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है तो जरा मुझे ये बताइए कि विद्यार्थियों को हनुमान जी को लेकर किन किन चीज़ों से मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा मनन करते रहें कुछ मंत्रों का, वो क्या क्या मंत्र हो सकते हैं? देखिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने बोला है कलयुग केवल नाम आधारा, तो केवल नाम से ही हनुमान जी ने भगवान श्री राम प्रभु का नाम से ही इतना बड़ा पुल बना दिया। तो सब सिर्फ सबसे छोटा अगर कुछ भी नहीं आता ऐसे तो करना चाहिए। यहाँ पे पाठ जो है कि सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, अगर ये भी नहीं हो पाता है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अगर नहीं हो पाता है तो भगवान का नाम ही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे तो अब लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे संकट मोचन हनुमाष्टक, उन या आरती, फिर उधर चालीसा, सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं जी। हाँ ठीक है, यहाँ पे आकर वो पाठ भी कर सकता है। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी आएँ और दर्शन करें।